हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैट केयर पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी फिशेस जो हैं वो उनका फ़िश फूड ख़त्म हो रहा है, आपके पास फ़िश फूड नहीं है, तो आप क्या क्या उन्हें खिला सकते हैं। मेरे पास ये छोटी वेराइटीज़ हैं प्लांटेड टैंक में, और कुछ बड़ी फिशेज हैं, आपको उधर दिखाता हूँ। ये बड़ी शार्क हैं इसमें, और पैरट हैं, सब हैं। और नीचे है, अभी खाली कर दिया है सारी छोटी फिशेज, इसमें कर दी है, उसमें नीचे कैट फिश कर दूंगा। और तो ये फिशेज हैं, इनका खाना जो होता है वो आप सभी के पास स्टोर रखा होगा, क्योंकि इंडिया में भी चल रहा है लॉकडाउन। फिश शॉप जितनी भी है, पैट शॉप ज़्यादातर बंद होंगी। फिश फूड अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके घर से बहुत दूर है, आप नहीं जा पा रहे हैं, घर में आपने अपने आप को बंद कर रखा है गवर्नमेंट की बात मानते हुए, तो बहुत अच्छी बात है। फ़िश फूड नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आज ऐसे टिप दूंगा कि आप घर में ही फ़िश फूड तैयार कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये फिशेज होती हैं आपकी, इन सबको हाई प्रोटीन का खाना देंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपनी फिशेज को क्या खिलाएं। अगर आपके पास ये टेट्रा वेराइटीज़ हैं, ये शार्क हैं और गोरामी है और मौली गप्पी हैं, तो इनको क्या खिलाएं। अगर आपके पास बड़ी फिशेज हैं, जैसे पैरट हैं, ऑस्कर हैं, और कहते ये कैट फिशेज हैं, तो इनको क्या खिलाएं। या फिर आपके पास गोल्ड फिश हैं तो उनको क्या खिलाएं। गोल्ड फिश होती है वो इजली ज़्यादातर सब कुछ खा लेती है, आप उसे सब्जियां दे सकते हैं, उसे थोड़े छोटे छोटे पत्ते दे सकते हैं, बंद गोभी, पालक, ये सब हरी सब्जियां दे सकते हैं छोटे छोटे पीसेस करके। जितना बड़ा फिश फूड वो खाती है उतने बड़े पीस करके वो खा लेगी। मटर के दाने होते हैं वो खा लेगी। और अगर ये टेट्रा वेराइटी है और या शार्क हैं या फिर ऑस्कर हैं, इनको क्या दें। इनको आप रोटी दे सकते हैं, रोटी। जी हाँ, रोटी। आप लोग सोच रहे हैं रोटी कैसे खा सकते हैं, क्योंकि आपका जो फिश फूड होता है उसमें भी कम से कम 40% आटा होता है। पर आटा आपको डायरेक्ट जैसे मछलियाँ, नदी वाली मछलियों को देते हैं, वैसे नहीं देना आपको खाना। आपको आटा देना है मछलियों को रोटी बना के। पहले रोटी से सेकनी है अच्छे से, उसके बाद उसके छोटे छोटे पीस, जितनी छोटे पीस ये मछलियाँ खा ले उतने दीजिए। रोटी अच्छे से सिकी होनी चाहिए, जली भी ना हो, अच्छे से सिकी हो, और उसको छोटे छोटे पीस करके आप इसमें डालिए। देखिए, आपके पहले एक दो तीन पीस डालिए, आपकी मछलियाँ अगर खा रही हैं तो आप उनको रोटी दे सकते हैं। क्योंकि फ़िश फूड अगर आपके पास नहीं है तो मछलियाँ आपकी मर जाएंगी 3-4 दिन बाद अगर फूड नहीं मिला, तो इसलिए आप उन्हें रोटी खिलाने की कोशिश करें। अगर आपके पास फ़िश फूड है तो आप फ़िश फूड खिलाइए, ज़रूरी नहीं आप रोटी खिला के देखें। ये बहुत ही मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि क्या खिलाएं। कुछ लोगों ने पूछा है ना, इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ कि क्या खिलाना है। तो रोटी जो है अच्छे सिकी होनी चाहिए, जली हुई नहीं आप दीजिएगा। छोटे छोटे पीस करके रोटी के डालिए, पहले देख लीजिए कि मछली खा रही है आपकी या नहीं खा रही है। अगर खा रही है तो थोड़ा दीजिए, जितना खाना देते हैं उससे कम दीजिए। इतना दीजिए जब तक 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, तब तक आपकी फ़िश जो है वो जिंदा रहे। उसके बाद या फिर आप कोशिश करते रहिए फ़िश फूड कहीं से मिल जाए, अपने पेट शॉप वाले से बात करिए, वहाँ से आप ला सकते हैं। तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, क्या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, और जो बात आपको समझ ना आई हो वो पूछिए। तो ऐसे वीडियोस में डालता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए आप कमेंट करिए बस। थैंक यू।